बदरवास के सालौन गांव में 30 वर्षीय युवक की करंट के चपेट में आने से मौत। पुलिस ने शुरू की जांच। सोमवार को शिवपुरी जिले के बदरवास थाना क्षेत्र के सालौन गांव में नहाते समय 30 वर्षीय युवक को बोरवेल के बिजली के तार में करंट लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजन युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने युवक को मृतक घोषित कर दिया। अस्पताल चौकी पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के शव का आज मंगलवार को जिला मुख्यालय पर पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के मुताबिक सालौन गांव का रहने वाला 30 वर्षीय किशन गुर्जर सोमवार के शाम 6 बजे अपने घर में लगे बोरवेल पर नहा रहा था। घर के सदस्य गांव में मंदिरों पर गए हुए थे। इसी दौरान नहाते वक्त किशन गुर्जर पुत्र बहादुर गुर्जर को बिजली के तार हटाते वक्त करंट लग गया। परिजनों को किशन बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला था। इसके बाद परिजन किशन को लेकर पहले बदरवास के स्वास्थ्य केंद्र लेकर थे, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन सोमवार की रात 8:30 बजे जिला अस्पताल पहुंचे ही डॉक्टर ने किशन को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि किशन शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? रवि गुर्जर। कहां के रहने वाले? सालौन। कहां पड़ती है? बदरवास से 15 किलोमीटर आगे। जो खत्म हुए वो कौन है? भैया। क्या नाम था? किशन गुर्जर। कितनी उम्र थी? 30 साल। करंट कैसे लग गया इनको? नहा रहा था मोटर चला के, तो जाने कुंडी उंदी पकड़ ली। क्या हुआ? कहाँ? बोर पे नहा रहे थे? नहीं, पंप में मोटर डली है, घर पे ही नहा रहा था। अच्छा, तो वो ताल लगाए तो करंट लग गया। हाँ। पता कैसे पड़ा आपको? घर पे थे तो औरतें आईं, औरतों ने बोला, फोन लगा, हम तो मंदिर पे थे बाहर, कल कार्यक्रम चल रहा था, दौड़ कर आए तो फिर लेकर आए। इनके पिताजी का नाम? बहादुर सिंह गुर्जर। क्या करते थे? कुछ नहीं, खेती करते हैं हम तो। भैया भी खेती करते? भैया भी खेती। शादीशुदा? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो अस्पताल में मौत हुई है क्या? घर पे? अस्पताल में आते रास्ते में हुआ।